हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज बात करते हैं इंडियन एक्सचेंज की, टॉप के इंडियन एक्सचेंज की। तो कमेंट आया था कि बिटबिन्स के बारे में बताएं, बिटबिन्स हिसाब से क्या है। तो बिटबिन मैंने यूज़ किया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने यूपीआई के थ्रू किया, जो पेटीएम और तेज ऐप के थ्रू हो जाता है। तो उसमें आपको लगा कर चलो, मैंने जैसे ही इनको अमाउंट भेजा था तो 15 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास पैसे आ गए थे। तो मैंने टेस्ट करने के लिए 100-200 रुपीज़ भेजे थे, तो काफ़ी अच्छी सर्विस दी थी। तो अब इसकी बात करते हैं। तो उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और नए अपडेट के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप नए अपडेट के लिए। अब बात करते हैं बिटबीन्स की। तो ये अच्छे लेवल के एक्सचेंज है, तो इंडिया का काफ़ी अच्छा योगदान चल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। तो इंडिया इस चीज़ को काफ़ी मान रही है, तो इंडिया में काफ़ी एक्सचेंज आ चुके हैं जो अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो कोइनएक्स मैंने यूज़ किया, वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बिटबिन्स को अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो बना सकते हैं। आप बना कर रख लीजिए, कोई पता नहीं कब आपको नीड पड़ जाए, वहाँ पे आपका ना चले। क्योंकि नेट बैंकिंग में आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडियन यूज़ करते हैं, बंद कर दिए हैं कि पेमेंट गेटवे के थ्रू नेट बैंकिंग में नहीं शो होते जेप्पे वगैरह में। तो आप सब में अकाउंट बना लीजिए, बिटबिन्स में, कॉइनएक्स में और जेप्पे में। तो चलो आपका आई है, इन दोनों में बना सकते हैं आप। नीचे लिंक दिया, आप बना सकते हैं। तो फ्यूचर में कोई पता नहीं कभी कब जरूरत पड़ जाए। ये इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे कॉइन्स मिल जाते हैं, ऑल्ट कॉइन अब सब मिल रहा है। BTC, EOS, पॉलीमैथ है, जो टॉप लिस्ट में जो कॉइन्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स हैं, वो सभी आपको मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनियम, OTN, ZIL। तो ये इंडियन रुपीज़ में आप बाय कर सकते हैं। डॉज कॉइन तो काफ़ी सारे हैं, वो आप देख सकते हैं इसमें। तो आप इंडियन रुपीज़ में आराम से बाय कर सकते हैं, कोई नहीं है कि आपको काफ़ी सिर खपाई करनी पड़ेगी या काफ़ी झेलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी इजी है, इजी स्टेप से हो जाता है। तो इसकी बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं, ओहो कैश का तो कुछ पता ही नहीं है, उनकी सर्विस ही ढंग की नहीं है। तो इंडियन आप लगा सकते हैं, इन्होंने शुरू किया है तो कितनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं। तो ये भी तो काम कर रहे हैं ना, इनके पास भी तो अच्छी टीम है ही है ना। तो आप देख सकते हैं, तो बिटबिन्स काफ़ी अच्छा है। तो उसके बाद बात करते हैं अब कि हाउ टू ट्रेड, आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। इसमें वीडियो दी गई है, आप वीडियो से लगा सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूंगा, जो इनकी टीम है वो आप देख सकते हैं। तो आगे चल के देखते हैं कि आप इसमें आपको करना क्या है। कुछ नहीं करना है आपको, साइन अप करना है, देन वेरीफाई करना है पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट जिसमें आप लेना चाहते हैं। तो अगर आप यूपीआई करते हो तो वही बैंक से करना जो आप बैंक रजिस्टर्ड करेंगे, याद रखना है। तो आप बाय सेल कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है, सेफ है। इसमें आप 2FA सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं ताकि हैक ना हो पाए आपका। तो जब भी आप 2FA गूगल ऑथेंटिकेटर से लगाते हैं तो आप एक बात का ध्यान रखिए, आप जो उसकी की होती है सिक्योर की, वो सेव कर लीजिए। बाई चांस आपका फ़ोन गुम जाता है तो किसी भी एक्सचेंज में जाते हैं तो आप कर सकते हैं। इसकी ऐप भी है तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, बीटा वर्जन अभी चल रहा है। तो यहाँ क्लिक करके इनकी वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हैं। तो इनकी फ़ीस ऑलमोस्ट बहुत कम है, आप देख सकते हैं, अगर आप 4 लाख तक ट्रेड करते हैं तो 0.25% बनती है। तो लगा के चलो, अगर आप 6 लाख रुपये निकालते हैं तो आपकी ये पड़ेगी 1500 रुपये समथिंग, आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर 6 लाख का बिटकॉइन अगर आप बेचते हैं, एक बिटकॉइन अपना बेचते हैं आज की डेट में, तो ये है कि अगर आप 25 लाख तक अगर ट्रेडिंग करते हैं अपना, तो आपकी जो फीस परसेंटेज है वो कम हो जाती है। तो आप देख सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या करना है। तो जो इस अब विड्रॉल की बात आई ना, तो विड्रॉल का आप देख सकते हैं, बिटकॉइन का जो है, अगर आप विड्रॉल लगाते हैं तो आपको 0.001 आपको BTC आपको देने पड़ेंगे, और फीस के तौर पर रिपल के 0.1 और नियो गैस का बिल्कुल 0 चार्जेस है। ऐसे ही आपका विड्रॉल हो जाएगा, कोई फीस आपकी लगेगी नहीं। ये शुरू से ही ऐसे है, और जो आपकी इंडियन रुपीज़ वीआ NEFT और IMPS है वो आपकी फ्री है। तो उसके थ्रू अगर आप अपने अकाउंट में डालते हैं तो जो डिपॉजिट फ्री है वो बिटकॉइन के थ्रू, वो कह रहे हैं डिपॉजिट फीस फी करोगे तो बिटकॉइन की फ्री है। तो अपना जो इंडियन रुपीज़ है वीआ NEFT IMPS वो है डिपॉजिट 2000 मिनिमम। अगर आप UPI के थ्रू करेंगे फिर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका आप कुछ नहीं लगना। ज़्यादातर बिटबिन्स में लोग UPI ही यूज़ कर रहे हैं, तो UPI आपके लिए बेस्ट है, तो वही करें। मैंने भी वही करके ही ट्राई किया था।
चलो उसके बाद हम अब लॉगिन करके देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं मैंने लॉगिन कर दिया है। तो लॉगिन में आप देख सकते हैं कि मेरा जो मैंने ये हाइड कर दिया है फॉर सिक्योरिटी रीज़न, तो मेरा वेरीफाई हुआ पड़ा है, वेरीफाई बहुत जल्दी हो जाता है। तो अनेबल टू फैक्ट्री ऑथेंटिकेटर आप अनेबल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो जब भी अनेबल करेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे मैं अनेबल करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना। ईओएस पॉलीमैथ, ईओएस और पॉलीमैथ अभी जस्ट अभी आए हैं, पॉलीमैथ काफ़ी अच्छा कॉइन है, ईओएस भी तो ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो कई लोग होते हैं कि हम इंटरनेशनल एक्सचेंज में जाते हैं, बायनांस में, बिटरेक्स में, तो एक्सचेंज वो भी अच्छे हैं, बट उसमें क्या होता है कि आप बिटकॉइन बेचते हैं, फिर उसकी फ़ीस लगती है, फिर वो खरीदते हैं, फिर आपकी फ़ीस लगती है, तो काफ़ी कट जाता है। तो इसमें अगर आप इंडिया में ख़रीदना चाहते हैं, अगर आप कहीं कहीं से आप किसी ने ज्वाइन किया हुआ है, अगर आप अपना प्रेडिक्शन लगाते हैं, किसी से पूछते हैं, या आप किसी का सिग्नल फॉलो कर रहे हैं, तो उस बेस पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको कोई कॉइन मिलता है तो आप बाय करके रख सकते हैं। इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी आप होल्ड करके रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आएगी भी तो आपको एज अ मेल आ जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, वॉलेट पर जाते हैं तो एक हमें करना क्या है, डिपॉजिट कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक्चुअली मैंने ATN खरीदे, टेस्ट के लिए मैंने ATN खरीदे थे। तो ATN इसलिए मैंने खरीदे थे टेस्ट करने के लिए कि हाँ इसमें सेंड होता है कि नहीं होता UPI Paytm के थ्रू। बिटकॉइन का आप देख सकते हैं, बिटकॉइन आपको रिसीव करने हैं तो इस एड्रेस पर आपको रिसीव हो जाएंगे, तो इस रिकॉर्ड पर आप भेज सकते हैं अपने बिटकॉइन। तो फिर उसके बाद आपने विड्रॉल करना है, जो करना आप कर सकते हैं। ये 23 घंटे 49 मिनट के बाद ये कोड चेंज हो जाता है, वो भी सिक्योरिटी रीज़न के करके, वो भी अच्छी बात है, बाकियों के कोड नहीं चेंज होते हैं। तो हम बात करते हैं अब कि हम मनी को ऐड कैसे करेंगे। तो ऐड ए मनी वॉलेट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो इसमें ऑप्शन आते हैं INFT और RTGC। तो 30 मिनट टू 1 घंटे तक का टाइम लेते हैं RTGC से, और इसमें जो ओनली फॉर है मोर देन 2 लाख, और इसमें जो 30 मिनट से लेके 1 घंटा लगता है। तो जो UPI पे मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैंने UPI यूज़ किया, तो UPI काफ़ी इजी है हर किसी के लिए, बिगिनर्स के लिए जो नए हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, और आसानी से वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, आसानी से कोई भी कॉइन खरीद सकते हैं। अभी मार्केट डाउन है तो कोई घबराने की बात नहीं है, मार्केट दोबारा से अप करेगी, अब ये बात तो है नहीं कि वो अप ना करे। तो आप दिखा देते हैं आपको करना क्या है, आपने कुछ नहीं, आपने तेज ऐप है, तेज आप डाल सकते हैं, पेटीएम तो हर किसी के में है ही है, तेज, पेटीएम, भीम ऐप और फोन पे। आप तेज और पेटीएम इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि उसमें आपको ऑफर मिल जाते हैं, कैशबैक आपको मिल जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाएगा आपको, इसलिए मैं तेज और वो कहता हूँ। तो उसके बाद इन्होंने कॉपी करना है, इस एड्रेस पर आपने ऐड बैंक पे करना है, ऐड बैंक पे आपने सेंड कर देना है। मैंने पीछे वीडियो बनाई है तो उसमें आप देख सकते हैं कि सेंड कैसे करना है, पिछली वीडियो आपको आइकन बटन में शो हो जाएगी कि आपको भेजना कैसे है। तो उसके बाद जैसे ही आप पैसा भेज देंगे उनके अकाउंट में, तो उसके बाद जैसे ही आपको नीचे रेफरेंस आईडी, जो आपकी UPI की रेफरेंस आईडी होगी, वो आपको नीचे शुरू दिख जाएगी, वो आपने यहाँ पर डाल के क्लेम डिपॉजिट कर देना है। ये डाल के क्लेम डिपॉजिट करना बहुत ज़रूरी है, जब आप क्लेम डिपॉजिट करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, तो ये आप गूगल से करते हैं तो ध्यान से करें, क्योंकि हो सकता है फ़िशिंग वेबसाइट भी बननी शुरू हो जाए, वैसे अभी तक बनी नहीं है, बट इंडिया में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, इस करके वो एक्सचेंज लेके आ रहे हैं, तो अच्छे लेवल पर चल रही है। ओहो कैश को आप भूल ही जाओ। अब अगर ATC की बात की जाए, ऐसे एक्सचेंजों में आ जाता है तो वैसी बात है उसका प्राइस बढ़ेगा, बट वो अपना ही लगे हुए हैं, तो बाकी एक्सचेंज आगे बढ़ रहे हैं और ओहो कैश पीछे का पीछे ही है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसके बाद जैसे ही आपके पास आ जाएंगे, जैसे मुझे ATN खरीदने हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ATN खरीदने हैं, तो मैं ATN पे क्लिक करता हूँ। आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, एक्चुअली मैंने फ़ोन से ही खरीदे थे, तो मैंने वहाँ से मैंने खरीद लिया था, तो मुझे पता है कि काफ़ी इजी रहा था। तो वॉल्यूम है, जैसे यहाँ पे स्टॉप लिमिट ऑर्डर भी है, आप स्टॉप लिमिट भी कर सकते हैं, स्टॉप लिमिट ऑर्डर काफ़ी अच्छा है, आप टारगेट सेट कर सकते हैं स्टॉप लिमिट ऑर्डर में, लाइक आपको लॉस नहीं होता। मैंने ATN पे क्लिक किया है, अब ATN पे आप देख सकते हैं मुझे नीचे बैलेंस शो हो गया है, यहाँ पे आप लोग सपोज करो 10 रुपये शो हो गया, तो वॉल्यूम आप यहाँ पर डाल सकते हैं, लाइक मुझे चाहिए, जैसे जेप्पे में होता है मुझे चाहिए 20 ATN, तो 42 रुपये 31 पैसे मेरे पास 200 रुपये हैं, तो मैं
82 करता हूँ तो 173 रुपये हो गया, जो मेरी फीस है 0.43 पैसे लगेगी। तो अब 90 पे 190 आ रहा है, और 98, 97, 95 पे आपका 200.95, इसमें आप बाय ऑर्डर लगा सकते हैं और आपके कॉइन आपको मिल जाएंगे। तो काफ़ी लोग ट्रेड कर रहे हैं, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। की बात करते हैं तो पॉलीमैथ मैं काफ़ी टाइम पहले से बाय कर चुका हूँ, बरोबर दूसरे एक्सचेंज में है, तो काफ़ी अच्छा कॉइन है पॉलीमैथ भी और नियो भी। तो नियो भी मेरे पास पड़े हुए हैं, तो जिनका फ्यूचर ब्राइट है, आपके ऊपर है कि इज़ अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा कॉइन आप बाय करना चाहते हैं। वो अगर आपने किसी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है या किसी का आप सिग्नल फॉलो कर रहे हैं, तो अभी सिग्नल फॉलो करके फायदा नहीं है किसी का, आप अपना हिसाब से कर सकते हैं क्योंकि अभी मार्केट डाउन है, तो किसी का भी कोई खुदा तो है नहीं कि आपको राइट सिग्नल देगा। तो सिग्नल के बजाय अगर कोई आपको सिग्नल देता है तो आप अपनी भी प्रिडिक्शन लगाएं। बिट्स का रिव्यू है, ये बिटबिन्स का रिव्यू काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा इनका, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डर है कि हमारे पैसे ना फंस जाएं, तो आप पहले 100 रुपये भेज के देख लें, तो कम से कम UPI में 100 रुपये है, तो आप चेक कर सकते हैं, तो उसमें आप भेज सकते हैं। नहीं है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, 100 रुपये ही है। तो इसको जैसे ऐड मनी पे क्लिक करते हैं, तो UPI पे क्लिक करते हैं, तो नीचे आपको शो हो जाता है कि मिनिमम जो है कम से कम 100 रुपये, तो आप भेज के एक बार चेक कर लीजिए, देन आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है बिटमीन्स, बाकी आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं बिटमीन्स को, नीचे लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।